दिखाया था ना आप लोग को कि इनका हेयर बहुत ज्यादा, मतलब कोई लोकल सैलून से स्ट्रेटनिंग किए थे तो बहुत ज्यादा ड्रैग डैमेज और ब्रेकेज पिटेल सब भरा हुआ था। तो अभी हम लोग इनके हेयर में कैरेटिन और कलर भी किए हैं। अभी इनका सिर्फ नॉर्मल मैंने ड्राई किया है, सिर्फ ब्लास्ट ड्राई किया है, ठीक है, ब्लो ड्राई अभी तक किया नहीं। आप देख सकते हैं, जैसे सबको पता है और जैसे क्लाइंट को मैं पूछता हूँ कि आप ब्लो ड्राई क्यों नहीं करते, तो क्लाइंट बोलते हैं कि मेरा ऐसा बोलता है ना कि तुम्हारा दोस्त है कलीग बोलता है कि ड्राई करने से हेयर खराब हो जाता है, राइट। बट ये पूरा गलत है। ये तुम अभी क्या फील की हो कि ड्राई करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर तुम ड्राई नहीं करोगे तुम्हारा हेयर देखो ना कैसे बिना अगर ड्राई किए हुए कैसे टैंगल हो रहा था। जैसे सिर्फ मैंने ब्लो ड्राई अभी तक किया भी नहीं है, राइट, सिर्फ ब्लास्ट ड्राई किया और तुम्हारा हेयर कितना फ्री हो गया। अगर तुम रेगुलरली इसको मेंटेन रखोगे ना तुम्हारा हेयर और भी स्मूथ हो जाएगा, वो मेंटेन रहता है। जैसे हम लोग, मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की का देखा कि वो बोल रही है कि ड्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये पहले खुद एक्सपीरियंस करो। अभी जैसे तुम्हें पता चला कि तुम्हें भी कोई बोला होगा, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर बोलता है ना कि यार ड्राई मत करो, ये जरा सा गलत है, तुम्हें ड्राई करना चाहिए। क्योंकि 100% तुम ब्लो ड्राई मत करो घर में, तुम सिर्फ ड्राई करो, ब्लास्ट ड्राई करो, हेयर को अच्छा से सुखाओ, फिर देखो कितना फ्री। मैं अगर इसको ब्लो ड्राई करूंगा तो ये और शाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारा कोई जिनको तुम रेफर कर सकते हो कि भाई ड्राई करना जरूरी है कि नहीं, ठीक है, ये चीज अभी मैंने तुम्हें इसीलिए, हम लोग वीडियो इसीलिए बना रहे थे क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा है कि वीडियोस में कि आप ड्राई मत करिए, ड्राई करने से हेयर खराब हो जाता है, ये बिल्कुल जरा सर गलत बात है। सिर्फ ब्लास्ट ड्राई कर लीजिए, आप अपने हेयर को अच्छे से सुखाइए, ठीक है।